में नकली और असली पहचानना तो काफ़ी मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि नकली और असली शहद हम प्राचीन काल से, जैसे हमारे पूर्वज जो नाना जी होंगे या दादा जी होंगे, लोगों ने जो बताया है कि शहद असली कैसे पहचानना है। कई लोग बोलते हैं कि शहद को आँख में लगा लिया जाए, आँख में पानी ना आए तो शहद असली है, या फिर शहद को पानी में डालते हैं तो नीचे जाके सेटल्ड हो जाता है तो हनी असली है, नहीं सेटल्ड होता है तो नकली है। लेकिन ठीक है, ये तो हमारी मतलब पूर्वजों ने जो बताया है वो हमारा एक सिस्टम है असली और नकली जानने का। लेकिन मेन इसका जो हनी असली और नकली जानने का होता है, मेन इसका लैब होता है। लैब ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें असलियत बता सकता है कि हमारी हनी की क्वालिटी क्या है। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, सिंपल सा मेथड है, अगर हनी को किसी ग्लास में डालते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, हनी थिक होता है, हनी थिकनेस है, हनी बिल्कुल नीचे जाके सेटल्ड हो जाएगा, बैठ जाएगा, देन वो डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा। जब वो डिजॉल्व होगा, धीरे 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 डिजॉल्व होता है, हनी पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, तो एक असली की पहचान है। अगर नहीं डिजॉल्व हो रहा, पतला हनी है, कभी कभी जो वाइल्ड हनी होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो डीप फॉरेस्ट की हनी होती है, जैसे जो सारंग मधुमक्खी बोलते हैं, जो स्पीसीज होती है डॉटसेटा, उसका शहद पतला होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शहद नकली हो गया। ये नहीं, उस ऐसी स्पीसीज है कि उसका शहद पतला ही होगा। कुछ शहद पतले होते हैं, डिपेंड करता है फूल कौन सा है। अगर हमारा फूल का ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म का है तो शहद गाढ़ा हो जाएगा, हमारा फूल का ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम पीरियड का है तो शहद पतला हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक है, एक धारणा बनी हुई है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर हमने हनी को डाला, नीचे जाके सेटल्ड होगा, क्योंकि कोई भी हनी होगा एज कंपेयर पानी से तो थिक ही होगा, वो नीचे जाके बैठेगा देन डिजॉल्व होगा। तो एक ये धारणा है, और जहाँ तक थोड़ा सही भी है। एक अभी थोड़े दिन पहले एक सिस्टम आया था कि अगर इसे पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट को जब हम पानी में डिप करते हैं बहुत देर तक, तो पार्ले जी बिस्किट टूट के गिर जाता है। लेकिन अगर उस पार्ले जी बिस्किट को हनी में डिप किया गया है और हनी में डिप करके छोड़ा गया है, तो टूटता नहीं है, क्योंकि वो थिक होता है तो पार्ले जी बिस्किट एब्जॉर्ब नहीं करता उसको। तो एक तो कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारी जगहों लोगों ने हमें बताया था, तो मैंने किया था, तो जहाँ तक सही है। लेकिन लेबोरेटरी सबसे बेस्ट है, क्योंकि हनी के अंदर पॉलन, हर एक पर्टिकुलर फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स होता है, हर एक पर्टिकुलर फ्लावर का पीएच वैल्यू होता है, जो कि लेबोरेटरी में सबसे अच्छा है, ईजी फाइंड आउट हो जाता है। क्योंकि अगर हमने सिंथेटिक हनी बनाया है किसी ने, तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स तो कोई डाल नहीं सकता है, क्योंकि पॉलन एक ऐसी चीज़ है जो हनी भी ही लेकर आएगी, कोई ह्यूमन बॉडी या आर्टिफिशियल कोई नहीं डाल सकता। और अगर किसी हनी में 35% से ऊपर रिस्पेक्टिव फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स है, तो हम उस हनी को रिस्पेक्टिव फ्लावर का नेम दे सकते हैं कि ये मस्टर्ड हनी है, ये यूकेलिप्टस हनी है, लीची हनी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का। और हनी की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो भी डिपेंड करता है फ्लावर पे। सेकंड पीएच है, हनी एसिडी की नेचर होता है, पीएच वैल्यू हर एक हनी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर यूकेलिप्टस हनी है तो 3-4 पीएच होता है, मस्टर्ड 4.5-5.5, तो डिपेंड करता है कौन से फ्लावर का हनी है, तो उसका पीएच भी डिफर करता है। तो ये दो चीज पीएच के लिटमस पेपर से पीएच हम चेक कर सकते हैं। तो छोटा सा है, जो घर में हर एक साइंस का स्टूडेंट आजकल हर जगह है, जो अपना आराम से पीएच वैल्यू चेक कर सकता है हनी का। तो एक सबसे इजी वे, साइंटिफिक वे जो है ये है। और ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो पानी वाला ग्लास है अपना।